नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए एक और नया और एक सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो लेकर के आए हैं। मित्रों, बहुत सी बार ये देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मनोरोग कहते हैं जिनको, मानसिक बीमारियां कहते हैं। जब ये बीमारियां हो जाती है तो जिसको ये बीमारी है, कभी कभी तो उसे खुद को ही पता नहीं चलता है कि वो मनोरोग से पीड़ित है, या फिर जो लोग मनोरोग से ग्रसित हो जाते हैं उनकी स्थिति देखना ही एक बहुत दुखदाई काम होता है। हम उनको देख नहीं पाते हैं, इतनी खराब हालत होती है। मित्रों, वो न ठीक से खा पाते हैं, उनके सोच विचार का ढंग बदल जाता है, उनका बिहेवियर जो होता है, जो व्यवहार होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो एक सामान्य जिंदगी जीता हुआ आदमी भी कभी कभी बहुत कम मात्रा में ही, मान लीजिए, वो मनोरोग से पीड़ित हो सकता है। तो इस बात को हम किसी के चेहरे को देख करके भी ये नहीं बता सकते कभी कभी तो, कि क्या उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अक्सर किसी व्यक्ति के, स्त्री पुरुष बच्चों के, हमेशा उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि वो क्या रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से वो खाते हैं, अपना दिनचर्या बिताते हैं, कैसे वो सोते हैं। इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स, इन सभी फैक्टर्स पर उनको स्टडी करके ही पता लगा जा सकता है कि उनको मनोरोग है या नहीं है। और इसमें कई सारे डॉक्टर्स और विशेषज्ञ बने हुए हैं जो किसी व्यक्ति को, उसके हाव भाव को, यहां तक कि उससे बात करके ही पता कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है और कौन सा व्यक्ति नहीं है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे 10 ऐसी बातें, कुछ ऐसे फूड आइटम्स या कुछ ऐसी सावधानियां लेकर के आए हैं जिनको मनोरोगी को, या जिनको मनोरोग अभी बहुत कम है, ऐसे व्यक्ति को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए और ये जो सावधानियां आपको बता रहे हैं इनका पालन करना ही चाहिए। तो मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मनोरोग होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना और ये जो सिर से संबंधित न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से होती है? ये सारी दिक्कत होती है जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, हमें किसी बात का डर है, कोई कोई परेशानी है अंदर ही अंदर हमको खाए जा रही है, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तब ये बीमारी बहुत धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म रूप से ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में पनपना शुरू हो जाती है। इसलिए मित्रों, आपको बहुत अधिक गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज्यादा चिंता और तनाव नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तनाव लेंगे, भयभीत रहेंगे, एंजाइटी होगी, या बहुत ज़्यादा मात्रा में आप क्रोध करते हैं, वैसे तो गुस्सा करना, थोड़ा भी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, पर अगर आप करते हैं तो इससे आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है, खास तौर से प्रोलेक्टिन हार्मोन, जब भी आप PRL टेस्ट करवाते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन, वो बढ़ जाता है और उसको बढ़ते हुए ज्यादा देर नहीं लगती है। जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे अभ्यास में रहते हैं, तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे आपको मनोरोग होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सावधानी आप रखें। फिर बात आती है जब आप रात में बहुत ज्यादा देर तक जगते हैं, या फिर किसी वजह से आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, आप बहुत ज्यादा देर तक जगते रहते हैं, या फिर आपकी आंखें जरूर बंद हैं लेकिन दिमाग सो नहीं पा रहा है, विचार चलते रहते हैं,
ऐसी स्थिति में भी आपको मनोरोग हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा देर तक जगना ठीक नहीं होता है, मानसिक दबाव नहीं लेना है, इस बात का भी मनोरोगों में आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर जहां तक भोजन की बात आती है, बहुत तीक्ष्ण या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाले जो पदार्थों का हम सेवन करते हैं, वो भी हमारे साइकोलॉजिकल जो हमारी जो मनोरोग हैं उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो बहुत ज्यादा तीखे तीक्ष्ण या फिर बहुत ज्यादा गर्म पदार्थों का द्रव्यों का आप सेवन ना करें। फिर ज्यादा मिर्च मसाले और अचार जैसी चीजें जो है उनका भी आप सेवन ना करें। फिर इसमें अगर तेल की बात देखी जाए तो सरसों का तेल का सेवन भी इसमें आपको कम करना चाहिए। ज्यादा नमक का आप उपयोग ना लें, क्योंकि अधिक मात्रा में नमक का उपयोग लेने पर भी आपके शरीर में जो मनोरोगी होते हैं उनको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर किन किन लोगों की अगर ये बहुत सी बार प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं या फिर अपनी नींद को रोकते हैं, बहुत ज्यादा देर तक प्यासे रहते हैं, पानी नहीं पीते, खाना समय पर नहीं खाते, ऐसे लोगों को भी मनोरोग के चांस रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखें कि ज्यादा देर तक भूखे रहना, प्यासे रहना या फिर नींद को रोकना मनोरोगों के लिए ठीक नहीं माना जाता है, ये सावधानी आप जरूर रखें। फिर विरुद्ध आहार लेना, मित्रों हमने विरुद्ध आहार के बहुत से वीडियो आपके सामने रखे हुए हैं, आप उन वीडियोस को जाकर के देखिए कि किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, इन सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप अलग अलग प्रकार के विरुद्ध आहार का सेवन करते रहेंगे फिर आपको मनोरोग में ठीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मित्रों मनोरोगों में आपको विरुद्ध आहार भी नहीं लेना चाहिए। फिर मनोरोगी जो होता है अक्सर वो खुद समझ तो नहीं पाता लेकिन जाने अनजाने में कई सारी गलतियां करता रहता है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू और ऐसे अल्कोहल और न जाने नशीली चीजों का सेवन और उसकी धीरे धीरे लत लग जाती, आदत पड़ जाती है, उसको छोटा छोटा सा सुख उसको ऐसा लगने लगता है कि बस यही सब कुछ है। तो ये गलत फहमी होती है मित्रों, ये गलत आदतें होती हैं। तो मनोरोगों में आपको जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आपको बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा तंबाकू या और भी जो अल्कोहल और नशीली जो चीजें होती हैं उनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थे मित्रों कुछ 10 ऐसे फूड आइटम, कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसी जानकारियां जो मैंने आपको वीडियो में बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार का उद्देश्य है आप तक स्वास्थ्य से रिलेटेड सही और सटीक जानकारियाँ पहुँचाना। ऐसे ही वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।